नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। पूजा अस्पताल के सौजन्य से डॉक्टर संदीप अग्रवाल और डॉक्टर राखी अग्रवाल ने रोज़ अफ्तारी का सिलसिला लगभग 20 साल पहले शुरू किया था। आज यह 21वां विशाल रोज़ अफ्तारी पूजा अस्पताल के सौजन्य से की जा रही है। आप देख रहे हैं शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नगर पालिका के चेयरमैन खुर्शीद भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अमर उजाला के एजाज भाई और शहर के जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, रोज़ अफ्तारी कर रही हैं। डॉक्टर संदीप एक नजीबात के ऐसे डॉक्टर हैं जिनमें कोई भेदभाव नहीं रखते, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। और इलाज करते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यह छोटा है, गरीब है या बड़ा है, सबको एक समान देखते हैं और अपने पेशे को कलंकित नहीं करते हुए सबको बराबर का दर्जा देते हैं। उनके पास मीडिया कर्मी भी जाते हैं, वह उनको भी उसी निगाह से देखते हैं, कभी किसी मीडिया कर्मी को नाराज़ नहीं करते। और आज वे एक रोज़ा अफ्तारी करा रहे हैं, नजीबात के जाने माने हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं रोज़ा अफ्तारी में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और सब रोज़ा अफ्तारी बड़े प्यार के साथ कर रहे हैं। नजीबाद में डॉक्टर संदीप अग्रवाल आपके स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, साथ में बैठकर खुद लोगों के रोज़ा अफ्तारी कर रहे हैं, उनमें छोटा बड़ा भेदभाव नहीं है, सबको बराबर समझते हुए वे नजीबाद को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। तब आप आज रोज़ा अफ्तारी करा रहे हो? जी, सभी मेरे भाइयों को जो रोज़ा अफ्तारी के लिए यहाँ पधारे हैं पूजा हॉस्पिटल में, हर साल की तरह कार्यक्रम करते हैं जो सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से आते हैं और इसमें हमारा एक भाईचारा जो है दिखाई देता है। और उम्मीद यही है कि 21 साल हो गए हैं आज, 21 ईयर्स हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा और एक भाईचारे का पैगाम इस शहर को हम लोग आपस में देते रहेंगे। अवतार कार्यक्रम में क्या कहेंगे? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी भाइयों को रोज़ा अफ्तार में। पूजा अस्पताल फैमिली की तरफ से आपका सभी का स्वागत है और ये आप ही का अस्पताल है और हमें सपोर्ट कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अब आज आपके यहाँ रोज़ा अफ्तारी का कार्यक्रम है, इसमें क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, सब भाई मुसलमान जितने भाई हमारे यहाँ सारे हैं, हाँ साल इनका हमारे आते हैं। और क्या कहेंगे? और क्या है बताओ। आज यहाँ पूजा स्थल में आप रोज़ा अफ्तारी में पधारे, इसके बाद क्या कहेंगे आप? और डॉक्टर संदीप साहब का ये अच्छा काम है, हड़ताल की भांति इस साल में उन्होंने जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सुभाष भाई, आज आपके यहाँ रोज़ा अफ्तारी होगी, इसमें कुछ कहेंगे? हमारे डॉक्टर वी के अग्रवाल जी जो चेयरमैन साहब हैं उनकी ओर से शुरुआत की गई थी 2003 से, उस परंपरा को हमारा पूरा हॉस्पिटल परिवार डॉक्टर संदीप जी की अध्यक्षता में इसको हम आगे जारी रखेंगे और जब तक भी हम लोग रहेंगे पूरे तन मन धन से इसको हम आगे रखेंगे। धन्यवाद। रोज़ा अफ्तारी के बाद पूजा अस्पताल के सौजन्य से नवाजियों का विशेष ध्यान रखा गया है और नवाज की तैयारी भी उन्होंने अपने मकान के छत के ऊपर ही की है। आप देख रहे हैं नजीबात के जाने माने रोज़ा अफ्तार करने के बाद यहाँ पर आज नवाज का आयोजन कर रहे हैं और अपने भगवान, अपने खुदा, अपने प्रभु यीशु और उनको याद कर रहे हैं। सभी धर्म नजीबात में एक समान है, कोई छोटा है ना बड़ा है, सभी धर्मों को मानने वाले नजीबात में हैं। नजीबात की गंगा जमुना तहजीब को लेकर दुनिया में चर्चे होते हैं कि नजीबाद एक ऐसा शहर है जिसमें सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, सभी धर्मों को एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, आपस में इतना प्यार यहाँ पर है, होली एक साथ खेलते हैं, ईद हम एक साथ मनाते हैं, कभी हमारे नजीबाद में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता नजीबाद का कायम रहेगा और जब तक ये नजीबाद है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहेगी। नजीबाद एक ऐसा शहर है जो हमारे आसपास में, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, हमारे भारत में देखने को नहीं मिलता। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर सौंदर्य के साथ
अपना त्यौहार मनाते हैं। आप देख रहे हैं।